वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में। तो देखें आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से 1857 की क्रांति के बाद में पूरे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो देखें जो 1857 की क्रांति थी, उसके बाद में पूरे भारत में बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन चले हैं, बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन चले हैं और बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है। तो इन सब कारणों ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। तो देखें जो ये धर्म सुधार आंदोलन है, ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, ये तो पूरे भारत में चले हैं, लेकिन आज हमारा मेन फोकस रहेगा उन धर्म सुधार आंदोलन पर, उन सामाजिक सुधार आंदोलन पर जिनका केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से ज़्यादा रहा है। तो उन्हीं के बारे में आज के डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उन धर्म सुधार आंदोलनों के बारे में जिनका केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है। तो देखें भारतेंदु हरिश्चंद ने वाराणसी से 1867 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया है। तो आपको याद रखना है कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद ने किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद ने 1872 में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया है। तो ये कुछ ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से हैं और इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में, आपको याद रखना है। आगे बात करें, इसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया है 1877 में। तो ये नाम आपको भूलने नहीं है और इनका जो प्रकाशन है ये भी आपको नहीं भूलना है। देखिए एक फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की है। तो देखें ये जो आर्य समाज है, इसके बारे में तो हम कभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हालांकि इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हम आज ही डिस्कस करेंगे इसी डिस्कशन में, राइट। तो इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं उन धर्म सुधार आंदोलनों की जिनका केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है, जिनमें हम बात करेंगे दो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों की। पहले की हम लोग बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन की और फिर हम लोग बात करेंगे देवबंद आंदोलन की। इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए देखें बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। तो देखें अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की है सर सैयद अहमद खान ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको भूलना नहीं है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की है। अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। तो देखें जो सर सैयद अहमद खान हैं, इन्होंने 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना शुरू किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सर सैयद अहमद खान हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। तो इस कारण से जो सर सैयद अहमद खान हैं वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होंगे और जो अंग्रेजी सभ्यता है उससे वो प्रभावित होंगे, जो अंग्रेजी शिक्षा है उससे वो प्रभावित होंगे। और अब जो सर सैयद अहमद खान हैं वो चाहेंगे कि जो मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं इनको हटाया जाए, इनको दूर किया जाए। तो आपको याद रखना है कि जो सर सैयद अहमद खान हैं वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं और उसी को आधार मानते हुए वो अब मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाने की बात करेंगे और शुरुआत होगी अलीगढ़ आंदोलन की। तो देखें अब हम लोग बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन के कुछ उद्देश्यों की। तो देखें पहला है इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, ये अलीगढ़ आंदोलन का एक उद्देश्य था। दूसरा है मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करना और तीसरा है इस्लाम समाज का आधुनिकीकरण करना। तो आपको याद रखना है ये कुछ उद्देश्य हैं अलीगढ़ आंदोलन के। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर यह याद रखनी है, जो आपको नहीं भूलनी है, कि जो सर सैयद अहमद खान हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे और इसी कारण से जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो अंग्रेजी सभ्यता है, उसका इन पर बहुत खासा प्रभाव था और इसी को आधार मानते हुए इसी की तर्ज पर ये मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको भूलना नहीं है। आगे फैक्ट देखें, देखिए 1864 में सर सैयद अहमद खान ने कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको भूलना नहीं है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है, सर सैयद अहमद खान ने की है। कब की है? 1864 में की है और कहाँ की है? कलकत्ता में की है। तो देखिए सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इसलिए की थी ताकि जो मुस्लिम समाज है उसका आधुनिकीकरण किया जा सके, उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको भूलना नहीं है। आगे बात करें 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको भूलना नहीं है। और ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल है 1920 में यही हो गया आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो आपको याद रखना है कि 1920 में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ
ये पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ में, याद रहेगा आपको। अगला फैक्ट देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। तो देखें, जो सर सैयद अहमद खान हैं, इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध करने के लिए की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको भूलना नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और बातें अलीगढ़ आंदोलन की। तो देखें हम लोग जान चुके हैं कि जो सर सैयद अहमद खां हैं, इन्होंने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ताकि जो मुस्लिम समाज है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। और आगे हम लोगों ने बात की कि जो सर सैयद अहमद खां हैं, इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बात करते हैं इनकी दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको भूलना नहीं है। तो देखें, सर सैयद अहमद खां ने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था तहफीज़ उल अखलाक। क्या नाम था? तहफीज़ उल अखलाक, जिसको हिंदी में कहते हैं सभ्यता और नैतिकता। तो तहफीज़ उल अखलाक नामक पत्रिका किसने निकाली है? सर सैयद अहमद खान ने निकाली है, तो आपको याद रखना है। एक और पत्रिका है जिनका नाम है राजभक्त मुसलमान। तो ये दोनों पत्रिकाएं सर सैयद अहमद खान की हैं, भूलना नहीं है। चलिए आगे एक और आंदोलन की बात करते हैं। ये भी मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन है, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, और इसने भी जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको प्रोत्साहित किया। तो देखते हैं इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी बात करें। तो देखिए, सबसे पहले एक बात आपको इसके बारे में ये याद रखनी है, जिसको नहीं भूलना है, कि देखिए हम लोगों ने बात की अलीगढ़ आंदोलन की, तो अलीगढ़ आंदोलन में जो सर सैयद अहमद खां हैं, उन्होंने जिन जिन बातों को कहा है, उन सभी बातों का देवबंद आंदोलन में विरोध किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, और देखें देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की और कहाँ से की। तो देखें, आपको नाम याद रखने हैं, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोई, इन्होंने 1866 में देवबंद कहाँ है? देवबंद है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में। देवबंद में एक इस्लामी मदरसे की स्थापना की, और यहीं से शुरुआत होती है देवबंद आंदोलन की। तो आपको याद रखना है, यह नाम आपको भूलने नहीं है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोई, राइट, जिनका संबंध किससे है? देवबंद आंदोलन से है। अब बात करते हैं देवबंद आंदोलन के उद्देश्यों की। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका यहाँ पर विरोध किया जाएगा, उसमें कही गई बातों का यहाँ पर विरोध किया जाएगा। तो देखते हैं देवबंद आंदोलन के कुछ उद्देश्यों के बारे में। तो बात करें, पहला उद्देश्य ये है कि कुरान व हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करना, राइट। तो देखें, ये देवबंद आंदोलन वाले लोग हैं, ये कह रहे थे कि जो मुस्लिम समाज है उसको कुरान व हदीस की शुद्ध शिक्षाओं को सीखना चाहिए, न कि अंग्रेजी शिक्षा को, याद रहेगा आपको। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन में बात की गई थी कि मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन किया जाना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता के तर्ज पर। तो यहाँ पर उसका विरोध किया जा रहा है, और बात की जा रही है कि जो कुरान है और हदीस है उसकी शुद्ध शिक्षाओं को अपनाना चाहिए मुस्लिम समाज को। तो एक तरीके से जो इस्लाम का कट्टरवाद है उसको अपनाने की बात कर रहे हैं देवबंद आंदोलन में, राइट। आगे देखिए देवबंद आंदोलन में विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद की भावना की बात की गई, कि विदेशी शासक जो अंग्रेज़ हैं उनके खिलाफ जिहाद की भावना रखनी चाहिए। जिहाद क्या होता है? बेसिकली जिहाद होता है अपने धर्म की रक्षा करना, धर्म युद्ध। तो देवबंद आंदोलन वाले लोग कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको छोड़ना चाहिए, जो पाश्चात्य सभ्यता है उसको छोड़ना चाहिए, और जितनी भी बातें विदेशी शासकों द्वारा सिखाई जाती है उसका विरोध करना चाहिए, और हमें क्या अपनाना चाहिए, हमें जो इस्लाम की शुद्ध शिक्षा है, जो कुरान व हदीस की शुद्ध शिक्षा है उसको अपनाना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। तो आपको याद रखना है। आगे देखिए हम लोगों ने बात की थी इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, तो आपको याद रखना है क्यों की थी सर सैयद अहमद खान ने इस एसोसिएशन की स्थापना, ताकि वो कांग्रेस का विरोध कर सकें। तो देखिए, देवबंद आंदोलन में जो ये इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन है इसका विरोध किया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। और देवबंद आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई थी, इसका समर्थन किया गया। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने बात की देवबंद आंदोलन की,
इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की जो कि आपको याद रखना है। ये नाम आपको नहीं भूलने हैं, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोई। इन्होंने 1866 में देवबंद कहाँ है, देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है। यहाँ पर इन्होंने एक इस्लामी मदरसे की स्थापना की जिसको दारुल उलूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दारुल उलूम। और यहीं से शुरुआत होती है देवबंद आंदोलन की। देवबंद आंदोलन के बारे में आपको ये याद रखना है कि देवबंद आंदोलन जो है वो अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करेगा, वहाँ पर कही गई सारी बातों का विरोध करेगा। जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन में बात की गई कि उदारवाद को अपनाना चाहिए, मुस्लिम समाज में उदारवाद को जगह देनी चाहिए और जो मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता जो अंग्रेजी सभ्यता है उनकी तर्ज पर दूर किया जाना चाहिए। जबकि जो देवबंद आंदोलन है उसमें उलट किया गया और कहा गया कि जो कुरान व हदीस की शुद्ध शिक्षा है उनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और मुस्लिम समाज को इन्हीं को अपनाना चाहिए, न कि अंग्रेजी शिक्षा को। आगे जो विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद की भावना की यहाँ पर बात की जा रही है। जिहाद क्या है? जिहाद होता है धर्म युद्ध, अपने धर्म की रक्षा करना विदेशी शासकों से। तो ये बात की गई देवबंद आंदोलन में। और जो सर सैयद अहमद खां की इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन थी उसका यहाँ पर विरोध किया गया और कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई थी उसका यहाँ पर समर्थन किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको बोलना नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखें, एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जो कि बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के चलते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। कब? 1916 में। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जो कि बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के चलते 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। तो देखिए ये जो संस्थान है इसका भी योगदान रहा है जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको प्रोत्साहित करने में, याद रहेगा आपको। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि संबंधित है आर्य समाज से। तो देखिए आर्य समाज के बारे में हम डिटेल में कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अब बात करते हैं उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो देखें आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी बंबई में। तो आपको याद रखना है एक फैक्ट कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी, याद रहेगा आपको। देखिए दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है 1882 में अजमेर में। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? 1882 में अजमेर में हुई, राइट। तो इनकी मृत्यु के बाद में जो आर्य समाज था दो भागों में बट गया। एक भाग है वो भाग जो भारतीय शिक्षा का समर्थक है और जो दूसरा भाग है वो है आपका पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक, जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका समर्थक। तो बात करते हैं उन लोगों की जो कि भारतीय शिक्षा के समर्थक हैं। इनमें शामिल है आपका स्वामी श्रद्धानंद। तो आपको याद रखना है स्वामी श्रद्धानंद जो है वो भारतीय शिक्षा के समर्थक थे और स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको भूलना नहीं है कि स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। आगे हम लोग बात करते हैं उन लोगों की जो कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। तो उनमें शामिल है आपका लाला हंसराज, लाला लाजपत राय जैसे लोग। और ये जो लाला हंसराज हैं इन्होंने लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको दोनों याद रखने हैं कि 1902 में हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की है और 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आर्य समाज से संबंधित, इनको आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखने हैं, राइट। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसकी स्थापना की और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी। सो बने रहिएगा साथ, थैंक यू।